दिख रहे घंटी को दबाओ और बिंदास भोजपुरिया की बिंदास खबरें पाओ। शादी करके फंस गया यार, मेरे दोस्त हैं आदित्य ओझा जो इसमें हीरो हैं और जो प्रोड्यूसर हैं वो भी हमारे दोस्त हैं नीलेश भाई, तो बहुत बहुत विश करूंगा और बहुत ही दिल से दुआ करूंगा कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो, अच्छी चले, क्योंकि बहुत ही दिल से ये फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म को मैं बहुत काफ़ी करीब से जानता हूँ, तो यही मेरी दुआ है कि अच्छी फिल्म चले और सक्सेस हो, ताकि एक फिल्म जब हिट होती है तो 10 फिल्में यहाँ पे बनती है, तो फिल्म किसी की भी हो सुपर डुपर हिट हो। जी हाँ बिल्कुल, ये फिल्म, इस फिल्म का जब मैं गाना देखा तो मुझे अच्छे लगे गाने, खासकर स्टोरी भी अच्छी है लेकिन गाने मुझे बहुत ही अच्छे लगे, तो मैंने प्रोड्यूसर साहब को बोला कि अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो ये इस फिल्म का जो म्यूजिक है मेरी कंपनी रिलीज करेगी ऑडियो वीडियो, तो उन्होंने हाँ बोल दिया और जो भी हमारा आपसी अंडरस्टैंडिंग था वो हुआ और निर्वाण म्यूजिक ने इसका ऑडियो वीडियो लॉन्च किया है। ये नया नहीं, बहुत पुराना ट्रेंड है, बीच में विलुप्त हो गया है मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि पहले हम लोग जितनी फिल्में, मैं 10 साल से इंडस्ट्री में हूँ, तो पहले जितनी फिल्में बनती थी सब देखते थे हम लोग, स्क्रीनिंग होती थी, लेकिन बीच में कुछ मुझे लगता है कि गॉसिप की वजह से कि फिल्में लोग रिलीज करने से पहले नहीं दिखाना चाहते हैं कि अच्छी होगी बुरी होगी, और यहाँ पे अच्छी अच्छी होती है तो भी बुरी खबरें जाती है और बुरी होती है तो भी अच्छी खबरें जाती है, तो उस वजह से लोग डरते हैं, क्योंकि अगर किसी भी अच्छी फिल्म की पब्लिसिटी पहले ही बुरी हो जाए तो वो अच्छा नहीं होता है, और अभी भी जो स्क्रीनिंग होती है वो कॉन्फिडेंटियल लोग ही आते हैं, जैसे जो बहुत करीब होते हैं और जो फिल्म के बारे में कुछ बुरा ना कहें, अगर बुरा है तो भी, क्योंकि फिल्म जब रिलीज होगी तो हम जिसको बहुत अच्छा समझते हैं वो शायद हिट नहीं हो पाती, और हम जिसको खुद हम अपनी बात कर रहे हैं हमें जो बुरा लगता है वो भी बहुत सुपर डुपर हिट हो जाती है, तो पब्लिक का टेस्ट हमको नहीं पता है कि क्या होने वाला है, तो रिलीज के पहले कुछ भी किसी फिल्म के बारे में बोलना सही नहीं है मेरे हिसाब से, तो इस वजह से बीच में बंद हो गया था मुझे लगता है, लेकिन अब शायद लोग चालू कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम इंडस्ट्री वालों को यहीं पर देखने का मौका मिलता है थिएटर में, कभी हम लोग शूटिंग में रहते हैं, जाते हैं नहीं जाते हैं, तो ये हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ नहीं, इसमें मैं ना के बराबर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें गेस्ट अपीयरेंस ही उसको बोलेंगे, और एक छोटा सा रोल था, तो आदित्य मेरे छोटे भाई जैसे हैं और दोस्त भी है, बहुत अच्छे दोस्त हम लोग हैं, तो बोला कि अरे यार आ जाओ एक दिन के लिए, कुछ काम है, तो मैं चला गया, गया बोला कि ये एक रोल है, अगर आप कोई भी कर सकता है इसको, लेकिन आप करोगे तो बहुत अच्छा होगा मेरी फिल्म का, तो मुझे लगा कि अगर मेरी वजह से, मेरे एक दिन की वजह से या मेरी एक सीन की वजह से आदित्य का कुछ अच्छा होता है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगता है बहुत सारे मर्द फिल्म देखने आएंगे ये शादी करके पंकज नाम अपने आप पे टाइटल बड़ा यूज़ करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि औरतों को भी आना चाहिए, क्योंकि मर्द क्यों फंसते हैं ये जानना चाहिए तो मर्द तो आएंगे ही, मेरे हिसाब से औरतें ही बहुत आएगी, क्योंकि एक ये कॉमेडी और मसालेदार फिल्म है, तो मुझे लगता है कि औरतें और बच्चे भी देखेंगे फिल्म, हर वर्ग के लोग इस फिल्म को देखेंगे। घूंघट में घोटाला की बात करें तो ये मेरी होम प्रोडक्शन है, अगली फिल्म जिसमें मैं खुद लीड कर रहा हूँ, दो नई हीरोइन है और इसके प्रोड्यूसर हैं मेरे बड़े भाई दिनेश लाल यादव, और उसका म्यूजिक बहुत ही अच्छा है, और इस फिल्म पे मुझे काफ़ी उम्मीद है, कहा जाए तो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हूँ, क्योंकि म्यूजिक बहुत अच्छा है फिल्म का। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है उस फिल्म के, फिल्म में सिर्फ भैया जो प्रोड्यूसर हैं, ना कि उसमें कोई, एक ही भूमिका है प्रोड्यूसर की, उसमें एक्टर के नाम पे सिर्फ मैं हूँ, बाकी हमारे जो को आर्टिस्ट हैं वो लोग हैं, और भैया का इसमें कोई वो नहीं है। हाँ हीरोइन तो फिल्म शूट हो चुकी है, तो उसमें हीरोइन जो है एक मनी भट्टाचार्य हैं, दूसरी हैं ऋचा दीक्षित, दोनों ही बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छा काम किया है उन लोगों ने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक को एक अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी। घूंघट में घोटाला का मेरा टारगेट है 27 सितंबर, जो दशहरा है, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 27 सितंबर को घूंघट में घोटाला रिलीज होगा। थैंक यू सो मच।